मैंने पिछली क्लासेस में कभी जस्ट बताया है आपको संधारित्र और धारिता के बारे में, और उसके मैंने आपको जो है न्यूमेरिकल बताया। नेक्स्ट आपका कुछ टाइप के न्यूमेरिकल है, जैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें से आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर है। एक समानांतर संधारित्र आपको दिया गया है जिसकी धारिता वो बता रहा है 16 pF। ठीक है, समानांतर संधारित्र उसकी धारिता कितनी बता रहा है 16 pF। फिर कह रहे हैं कि उनके बीच जो ए बराबर 3 का एक परावर्तांश भाग दिया गया है, और उसके बाद जो है उनके प्लेट के बीच की दूरी को 2/3 कर दिया है। दो काम कर रहे हैं, एक परावर्तांश भर रहे हैं, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं उनके बीच की दूरी जो है आप जो है 2/3 कर रहे हैं। मतलब इनके बीच की दूरी पहले अगर डी रही होगी तो अब घटाकर जो है उसकी जो है 2/3 दूरी करते हैं, उसके बीच परावर्तांश भर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि संधारित्र की धारिता जो है क्या होगी, यानी जो अगर ऐसा कर दें के साथ, या यूं कह सकते हैं कि सभी बी बिंदु एक साथ हैं, सभी ए बिंदु
मतलब इन सभी बिंदुओं के साथ ये बीच में कैसे होंगे, प्रत्येक लाइन किस क्रम में कही जाएगी, समांतर क्रम। इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रत्येक लाइन किस में है, समांतर क्रम। तो जब ये समांतर क्रम है तो आप जानते हैं समांतर क्रम में जो है संधारित्र कैसे जुड़ते हैं, सभी संधारित्रों का क्या होगा योग, यानी ये प्लस इतना प्लस इतना प्लस मतलब इनको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इनको यहाँ पर लिख रहे हैं, इनको यहाँ पर लिख रहे हैं, इनको यहाँ पर लिख रहे हैं, इस तरीके से यदि हम लिखते जाए ठीक है, तो लिख कर हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और वही होगा जो है जो जोड़े ये और ये और ये धार का समान, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में और वापस में समांतर क्रम में जुड़ जाए तो वो होगी द्वितुल्य धारिता ठीक है। चलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है नेट की धारिता कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड। अब इन दो बिंदुओं की बात करें तो ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कैसे हम जोड़ते हैं, 1/c = 1/1, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड है प्लस 1/1, सी बराबर कितना होगा 1/2 ठीक है। इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, 1/2। अब इनकी बात करें, ये चार आपस में है, इनको कैसे करेंगे, अब इनके मध्य धारिता निकालेंगे तो 1/c 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 कहां तक जाएंगे, अनंत ठीक है। अब ये देखिए कि ये आपको क्लास 11 में आप पढ़े होंगे गुरुत्व श्रेणी के बारे में, तो यहां पर देखिए 1 1/2 1/4 अगर आप देखिए तो ये एक जो है गुरुत्व श्रेणी दिखाई दे रही है। अब गुरुत्व श्रेणी का पहला पद कितना है, a, और इसका सारांतर कितना है, 1/2। सारांतर निकाल के आप देख सकते हैं कक्षा 11 में आपको बताया गया, और ये इस तरीके से गुरुत्व श्रेणी कहां पर तैयार है, अनंत। अगर किसी जीपी का प्रथम पद और सारांतर पता है तो आप उसका तुल्य तो निकाल सकते हैं या उनका योग, और योग ही ये है क्या, ये धारिता है, तो क्या होगा ए से बी तक जो है तुल्य धारिता, तो सी ए बी या तुल्य धारिता या गुरुत्व श्रेणी का योग ए अपान 1 - r, 1/1 = 1 - r का मान कितना है, तो इनको सॉल्व करेंगे 2/1 = 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर 1 माइक्रोफैरड के अनंत तक इस तरीके से अगर इस विधि से जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, 2 माइक्रोफैरड ठीक है। चलिए बिल्कुल इसी तरीके से इनका ये भी आपको सवाल है, अब इसमें आप क्या किया है, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड के दो आपके संधारित्र आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, यहाँ कैसे जुड़े श्रेणी क्रम, फिर यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड के एक माइक्रोफैरड के तीन संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये भी समांतर, इस तरीके से यहाँ पे 4, 5, 6 ऐसे यन बार यन संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम में चूंकि जुड़े हैं, अब ये भी बताया गया कि सारे जो संधारित्र हैं वो 1 माइक्रोफैरड है, सवाल यहाँ पर पूरा गया आपको, सी बराबर 1 माइक्रोफैरड है, सभी सी है तो सभी कितने होंगे, 1 माइक्रोफैरड। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से जोड़ना, अब देखेंगे ये सारे पॉइंट एक साथ अगर हम करते जाएं तो ये सभी कैसे होंगे, समांतर क्रम, और यहाँ से ये अलग अलग भी आपस में किस क्रम में है, समांतर, ये दोनों समांतर क्रम है, तो इनका तुल्य अगर हम लेते हैं तुल्य धारिता तो ये 1/1 कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड, ये 1, 2, 3 माइक्रोफैरड, 1, 2, 3, 4 माइक्रोफैरड, ऐसे 5 माइक्रोफैरड, इस तरीके से 5, 6, 7 का यन बार है तो यहाँ कितना होगा, यन माइक्रोफैरड, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यन माइक्रोफैरड, और ये सभी भी आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम, मतलब 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5, 6, 7 यन माइक्रोफैरड भी आपस में समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में जुड़ने का आपको तरीका आपने बताया है, तो समांतर क्रम में सीधे की धारिताएं आपस में क्या हो जाती है, जुट जाती है, तो जब जुटने के पश्चात वो होगा ए और बी के बीच की तुल्य धारिता, वो सी ए बी बराबर लिखेगी 1 / 2 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
नंबर यह। अब आप देख रहे होंगे ये जो सी ए बी है ये एक प्रकार से एक श्रेणी बन रही है, वो श्रेणी कौन सी? ए पी के यानी अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसे आप कहते हैं समांतर श्रेणी, क्योंकि आप देखेंगे इन दोनों के बीच का समांतर कैसा है, एक समान है इन दो, ये एक और इनके, और यानी दो आप अगले 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 जो भी आपकी क्वांटिटी आ रही है इनके बीच का समांतर हमेशा कितना है, एक। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्रेशन है इसमें है आपका समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको लेना है यंग पदों का योगफल। तो किसी समांतर श्रेणी में यंग पदों के योगफल का सूत्र होता है यंग बाय टू कोष्ठक में टू ए प्लस यंग माइनस वन इन टू बी। यहाँ से पहले ए निकालेंगे, प्रथम पद कितना है ए बी, और समांतर निकालेंगे टी बी, कैसे दो में से घटाएंगे तो एक होगा, तीन में से दो घटाएंगे तो एक होगा, चार में से तीन घटाएंगे तो एक, तो समांतर होगा आपको बी। ए और बी और यंग पदों का योगफल लेना है, तो सी ए बी बराबर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू बी से सबकी वैल्यू यहाँ पर रखकर जब कैलकुलेट करेंगे तो सी ए बी आपको होगा यंग इन टू यंग प्लस वन बाई टू, तो यंग की वैल्यू जब तक आप चाहें तो यहाँ पर करें इस सी ए बी को निकाल सकते हैं। चलिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, उसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस प्रकार से देखिए कभी कभार सिंपली संधारित्र और उनकी धारिता के रखते हैं और उन लोग वो एक नेटवर्क बना देते हैं और पूछते हैं कि उनकी तुल्य धारिता क्या है। ठीक है, तो तुल्य धारिता आप इसलिए निकाल सकते हैं कि वो श्रेणी क्रम कौन सा श्रेणी क्रम होगा, कौन सा समांतर क्रम होगा। जैसे प्रतिरोध आप निकालते हैं, प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं श्रेणी और समांतर क्रम में देखना आप पहचानते हैं, बिल्कुल वही दिमाग लगाते हैं इसमें श्रेणी और समांतर क्रम पहचानेंगे, और जिस तरीके से देखिए प्रतिरोध अलग तरीके से जुड़े जाते हैं और ये जो है आपका अलग तरीके से इनका तुल्य धारिता होते हैं। बस देखिए जुड़ने वाला तरीका इसमें जो है समांतर और श्रेणी क्रम में अलग है, लेकिन बाकी जो है ये कौन से नेटवर्क किसके साथ ये समांतर क्रम में आएंगे किसके साथ श्रेणी क्रम में आएंगे ये बिल्कुल जो है प्रतिरोधों की तरह ही है, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर आपका एक नेटवर्क दे रखा है, कहा है एक 1500 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर लगाई गई, उसके साथ यहाँ पर कुछ संधारित्र इस प्रकार से जुड़े गए, ये 12 माइक्रोफ़ारड का है, ये 20 माइक्रोफ़ारड का है, ये 2 माइक्रोफ़ारड का है, ये 1 में ये 3 माइक्रोफ़ारड। तो इस तरीके से याद देकर इसमें जो कुछ बातें आपसे पूछी गई हैं उसमें से सबसे पहली बात क्या है कि इनकी तुल्य धारिता क्या है, सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कि इसका पूरे नेटवर्क की तुल्य धारिता क्या होगी वो हमको निकालना है। ठीक है, दूसरा निकालना है कि 2 माइक्रोफ़ारड धारिता पर कितना विभव होगा, 2 माइक्रोफ़ारड यहां पर इसका कितना विभव होगा वो हमको निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, 3 माइक्रोफ़ारड धारिता पर कितना आवेश आएगा, यानी जो 3 माइक्रोफ़ारड है इस पर कितने कूलम का आवेश होगा वो हमको निकालना है। नेक्स्ट आपको निकालना है कि जो 20 माइक्रोफ़ारड और 12 माइक्रोफ़ारड धारिता वाला जो संधारित्र है उस पर कितनी ऊर्जा संचित। ठीक है, हमको 5 चीजें निकालनी है, अब हम काम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट निकालने के लिए मतलब तुल्य धारिता, अब हम ये चीज देखेंगे जो भी बटे वो आवेश यहाँ से निकलेंगे, एक आवेश यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर यहाँ से होते हैं, फिर ये आवेश आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, जब मिलेंगे या सिंपली हम दिमाग में धारा को रखकर बात करें तो धारा यहाँ से दो हिस्सों में बटेगी, यहाँ से चलेंगे यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब इस बिंदु के साथ ही चाहिए और ये दोनों कैसे होंगे समांतर होंगे, ये आपको टेंथ में भी आपको पढ़ाया गया अच्छे से इस तरीके से श्रेणी और समांतर हम देखते हैं। तो इस बिंदु के साथ ही कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे समांतर। तो समांतर संधारित्र आपस में सीधे जुड़ जाए तो ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता है इसकी ए बी हम यहाँ पे लिखते हैं वो कैसे निकालेंगे, 2 माइक्रोफ़ारड प्लस 3 माइक्रोफ़ारड, ये मिलकर कितने होंगे 5 माइक्रोफ़ारड। ठीक है, मतलब है कि यहाँ पर अगर 5 माइक्रोफ़ारड का संधारित्र लगा देते हैं तो ये नेटवर्क जो है सिंपल बन जाएगा, या किस तरीके से ये चीजें हट जाएंगे अगर 5 माइक्रोफ़ारड का हो गया। अब देखेंगे कि अब ये यहाँ पर 5 माइक्रोफ़ारड का हम लगा दे रहे हैं तो यहाँ से ये नेटवर्क सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी 2 माइक्रोफ़ारड की जगह 5 माइक्रोफ़ारड हम ले लें तो ये नेटवर्क एक सिंपल हो जाएगा। तो अब ये निकालना है सिंपली और इनके बीच की तुल्य धारिता। ठीक है, तो सिंपली हम देख सकते हैं बैटरी के साथ ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है,
ठीक है, बैटरी को यहां से छोड़ दें तो बैटरी को हमें यहां कितना दिया, तो ये आपका समीकरण बैटरी से जब भी धारा या आवेश रहेगा, अगर ये नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंट अनुपात में तो फर्क कर देते, तो यहां से जो भी धारा निकलेगी धारा चूंकि धारा इसलिए कारण कि आपको सिंपली तो धारा के बारे में थोड़ा सा पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ धारा नहीं आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। तो हम धारा को दिमाग में लेकर काम करेंगे क्योंकि हमको बस देखना है कौन श्रेणी कौन समांतर क्रम है, उसके लिए हम धारा का काम करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये तीनों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जुड़ने का जो तरीका है, अब देखिए श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, ए और बी के बीच का मूल्य जो है धारा। तो श्रेणी क्रम में जुड़ने का तरीका क्या होगा, 1/5 इक्विवेलेंट, अब ये देखेंगे 1/5 1/12 है तो फर्क तो हम अंतिम में लिख लेंगे 1/12 घन, इनके बीच का जो है अनुपात इसको हटाएं तो यहां पे 5 में आपको फर्क लगाना पड़ेगा, देखिए 1/5 ये आपका 20/20, इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात 20/7 या 1/3 या c इक्विवेलेंट लेंगे तो कितना होगा c, और ये माइक्रो फैराड में दे इसको लेंगे माइक्रो, अगर ये पूरे नेटवर्क की जो है तुल्य जो है धारिता कितनी है 3 माइक्रो, मतलब ये इस सब पूरे जाल को हटाकर हम चाहे तो एक अकेला 3 माइक्रोफैरड का हम अगर लगा देना है संधारित्र, तो जितना ये आवेश ले रहे होंगे इस इतने वोल्ट पर उतना ही वो 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र आवेश मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके दो सवाल हो गए, पहला सवाल दूसरा है 2 माइक्रोफैरड धारिता को क्या निकालना है, ठीक है। अब चलिए जरा इस पर भी ध्यान रखिए, 2 माइक्रोफैरड आपको यही है यहीं पर ये निकाला है इसके और इसके सिरों का दूरी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए धारिता दे रखा है, अगर हम इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश यदि निकालने किसी तरीके से तो सी बराबर Q/V से हम चाहे तो इसके सिरों पर क्या निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब हम कैसे आवेश निकालेंगे, अगर देखिएगा अगर हम जो है यहाँ का विभव निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखेंगे कि ये 12 माइक्रोफैरड ये आपको 5 माइक्रोफैरड का क्लियर करें, 5 माइक्रोफैरड और ये आपको 20 माइक्रोफैरड, ये तीनों आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो भी आपस में संधारित्र जुड़ते हैं सब में आवेश की मात्रा समान रहती है क्योंकि चूंकि ये संधारित्र है, ठीक है। और हमने आपको बताया है कि अगर ये प्रतिरोध बदले तो धारा समान पड़ती है और संधारित्र है तो क्या समान रहेगी, सब में आवेश की मात्रा समान होगी। तो हम निकाल लें कि यहाँ पर कितना आवेश आपको आएगा, ठीक है। तो हम आवेश निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, श्रेणी क्रम में देखिए 12 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड ये आपस में कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। चलिए तो श्रेणी क्रम में निकालने के लिए हम इसी का उपयोग करेंगे, बराबर Q/V, ठीक है। अब देखिए C हम लेंगे, हमें जो है श्रेणी क्रम में जो है जितने आपस में संधारित्र जुड़े हैं वो इसकी धारिता C यहाँ होगी, Q उस तीनों में बहने वाला यहाँ होगा, कि क्या होगा जितने वोल्टेज इनके साथ जुड़े हैं क्योंकि ये सारे बैटरी से जुड़े हैं एक ही साथ, अब बैटरी से जितना आवेश प्रवाहित होगा वही आवेश यहाँ से जुड़ जाएगा, तो C बराबर Q/V से हम इसको निकाल सकते हैं, Q बराबर C इंटू जितने वोल्ट की बैटरी से इसमें आवेश आ रहे हैं तो C का मान कितना है, 3/10^-6, ठीक है। चलिए और गुणे जो है ये आपका 1500, ठीक है। ये C आपको मैंने यहाँ पे क्यों देखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 12 का है, ये 5 का है, ये आपको 20 का है, तीनों को जोड़े हम कितना है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये आपका होगा Q बराबर कितना, ये सब वैल्यू लगकर हमने कैलकुलेट किया तो ये आपको आया 45/10^-2 हमको ए बी चाहिए, ए और बी के बीच का विभव चाहिए, ये ए
ठीक है, तो बी ए बी चाहिए, तो बी ए बी चाहिए, तो ए और बी देंगे। इन दो सिरों के बीच का मध्य विभवान का बराबर इन दो सिरों में बहने वाली नेट धारा, सॉरी नेट आवेश, और बटे में इन दो सिरों के बीच का नेट जो है धारा, क्योंकि v बराबर क्या होता है q / c, तो v ab चाहिए, तो q ab चाहिए बटे में c a p, तो q ab कितना है, यानी इनके और इनके मध्य बहने वाला नेट आवेश, तो नेट आवेश सिर्फ इसमें मत देखिएगा, इन दोनों में नेट आवेश आएगा, ठीक है, वो कितना है 45 / 10 के पावर माइनस 4 बटे में c ab कितना है 5 / 10 के पावर माइनस 6 देखिएगा, c ab यानी इनके बीच का जो है धारा, यहां देखिए ये वाला टू धारा है, ये पास में ऊपर ये वैल्यू का कैलकुलेट किया तो a और b के बीच का विभव आपको आएगा 900 कैलकुलेट कर लीजिए 5 / 45 इसमें से जाएगा तो जब 900। तीसरा इसमें है 3 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना होगा, ये आपका है 3 माइक्रोफैरड, जो कुछ मैं सिर्फ इसमें कितना आवेश है सिर्फ इसमें ध्यान रखिए, इसमें तो आपको पता है 10 के पावर माइनस 4 है, लेकिन सिर्फ इसमें कितना आवेश है, ठीक है, तो हमें सिर्फ इतने में आवेश चाहिए, 3 माइक्रोफैरड में आवेश चाहिए, तो आपको यहां पर इसी सूत्र से q बराबर क्या होता है c v, तो 3 माइक्रोफैरड में सिरों का मैं ऐसे 3 माइक्रोफैरड में अगर आवेश चाहिए तो यहां पर होगा 3 माइक्रोफैरड का धारिता 3 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच विभवांतर, तो देख रहे हैं इसकी धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैरड, और इनके सिरों का विभवांतर कितना है 900, अगर देखिए तो ये जाएगा 27 / 10 के पावर माइनस 4, ठीक है, इस तरीके से हमने तीसरा पॉइंट निकाला, इसी तरीके से चौथा है और पांचवा, चौथे और पांचवे हमें क्या निकालनी है संचित ऊर्जा, ठीक है, तो संचित ऊर्जा का सूत्र आपको एक तो यहां है 1/2 q² / c या 1/2 cv² तो हमें v तो पता नहीं है, v हमको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन के तो इसलिए हमको q पता है, क्योंकि जो q इसमें है वही q इसमें, आवेश की मात्रा पता है तो हम ये सूत्र और c हमको वो दे रखा है, ये सूत्र लगाएंगे 1/2 q² / c, तो q का मान यहां पर आपको दे रखा है और c का वैल्यू वहां पर है, तो c की वैल्यू q की वैल्यू रखकर इस पर स्क्वायर करेंगे इनका सॉल्यूशन देंगे तो ये आ जाएगा 0.842, इस तरीके से आप जो ये जो यानी 12 माइक्रोफैरड में है कितना जो है ऊर्जा संचित होगी उसको निकाल लेंगे, सेम फिक्स वही सूत्र लगाकर 1/2 q² / c से हम चाहें तो आपका सॉरी यह आपका है आपको होना चाहिए ये 20 माइक्रोफैरड है, वहां पर सवाल में आपको 20 माइक्रोफैरड दे रखा है, तो ये 20 माइक्रोफैरड की इसकी धारिता रखेंगे तो यहां पे आएगा 0.512, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इस तरीके से हम चाहें तो उसके किसी भी प्रकार का नेटवर्क है नेटवर्क को सिंपली दिमाग में रखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं और जो भी चीजें पूछे उनका जवाब हम दे सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और थोड़ा सा सवाल है जो कक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया, सवाल उन्होंने इस तरीके से एक नेटवर्क जाल बनाया है, यहाँ पर बैटरी लगाई है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया है और यहाँ पर उन्होंने धारिता लगाया है, कहा है सवाल में संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब ये संधारित्र ये जो है कितनी जो है ऊर्जा को अपने अंदर संचित करके रखता है। चलिए यहाँ पर धारिता दे रखी है तो कहीं से आप इनके सिरों का विभवांतर निकाल लें और धारिता का सूत्र 1/2 cv हम इसमें लगा दें तो हमको मिलेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये रहा हमने का संधारित्र के सिरों का हमें जो विभवांतर चाहिए, ठीक है, और ये वाला सूत्र लगा कर आप चाहे तो संधारित्र में संचित ऊर्जा को निकाल सकते हैं। देखिए काम क्या होता है, जरा मैं इसको समझा दूं, ये बैटरी रखा 1 ओम उसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 10 वोल्ट विद्युत बाहर तक की बैटरी, इसमें काम क्या होता है बैटरी जब यहां से धारा को देगी तो धारा हम कहें तो धारा प्रतिरोध के लिए करेंगे ध्यान रखिएगा और आवेश हम इनके लिए करेंगे, तो धारा अगर यहां से निकलेगी तो जो है आवेश जाएगा करेंट होगा, ये जो आपका संधारित्र ये चार्ज होगा और यहां से क्या बहेगी करंट फ्लो, तो अगर जब चार्ज होगा तो धीरे धीरे चार्ज होते हो तो एक कंडीशन आएगी जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब यहां से आवेश जाना क्या हो जाएगा रुक जाएगा, उसे हम कहते हैं संतुलन अवस्था, ये सवाल आपके संतुलन अवस्था में ही कहा गया, तो जब ये आवेश यहां से यहां जाना रुक जाएगा तो जो भी ये धारा या आवेश को ये भेजेंगे वो कहां से होकर निकलेगा केवल उसके सिरों को
विभवांतर को कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसके सिरों का विभवांतर निकालें तो उसके साथ ये आपका जो संधारित्र है वो किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो दोनों के सिरे का बीच का विभवांतर कैसा होगा, समान। तो इसमें दो तीन तरीके विभवांतर निकालने का किसी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप निकालें इस बैटरी से इसमें कितनी धारा बहेगी संतुलन की अवस्था, ठीक है। तो संतुलन की अवस्था में जब पूरी चार्ज होगा तो आगे सीमा जाना रुक जाएगी, तो मतलब धारा यहाँ से निकलेगी, बस चार होकर भागकर कहाँ आ जाएगी, एक होगी, ठीक है। तो सिंपली ये जो धारा और वोल्टेज और आपका विभवांतर, सॉरी धारा वोल्टेज और प्रतिरोध में जो संबंध होता है ओम के नियम का, उसको आप लगा सकते हैं वी बराबर आई इंटू आर से। हम चाहे तो यहाँ पर वोल्टेज निकाल सकते हैं। चलिए तो वोल्टेज निकालने के लिए पहले हमको निकालना होगा इस बैटरी का, बैटरी के साथ जितने आपके प्रतिरोध जुड़े हैं उसका नेट जो है प्रतिरोध के चार ओम का प्रतिरोध। बैटरी से जो धारा निकलेगी वो चार ओम में जाएगी, वही धारा किसमें आएगी, एक ओम में। मतलब कहने का मतलब चार ओम और एक ओम कैसे होंगे, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे इनको, तो इनका टोटल प्रतिरोध आपको पांच ओम होगा। और जो है ओम का नियम के अनुसार धारा आई बराबर विद्युत बाहर का बटे में प्रतिरोध, तो ये 10 वोल्ट में विद्युत बाहर 10 बटे में 5 कितना है, 2 एम्पीयर। तो कहने का मतलब बैटरी से जो धारा निकलेगी कितनी की होगी, 2 एम्पीयर, ठीक है। चलिए अब ये धारा आ गई, तो यानी 2 एम्पीयर की धारा यहां से निकलेगी 4 ओम में बहेगी। तो हम चाहें तो ओम के नियम के का नियम लगाकर इस 4 ओम के सिरे पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा निकाल सकते हैं, वी बराबर आई इनटू आर से। आई का मान 2 एम्पीयर है और आर का मान कितना है, 4, तो ये 4 गुना आर। तो कहने का यह मतलब है कि ये जो इसके सिरों का विभवांतर होगा कितना होगा, 8 वोल्ट का, और 8 वोल्ट को वही इनके सिरों पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित हुई होगी 8 वोल्ट विभवांतर पर 2 माइक्रोफ़ारड में, यू बराबर 1/cv। इस बार इन सब तरह का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 64 × 10⁻⁶। इस तरीके से चाहें तो इसमें संचित हुई ऊर्जा निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है तो अच्छा क्या पॉइंट आपके से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने जो है किताबों से या ध्यान जो भी सोर्स आता है उससे आप क्वेश्चन को लगाएंगे, कोशिश करिए, क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब सवालों तक ये तभी उतने जो रियलाइज होते हैं और उनका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आता है। आप सोचिए एक बार में चीजें हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल है, एक बार में नहीं होती है, धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीजें आपके जो कंसेप्ट में बैठते जाएंगे, उतना ही सवालों को लगाना आसान। आप सवाल को लगाइए और जो है अपने, धन्यवाद।